हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एके सिंह और स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फोकस सिविल वर्क। तो दोस्तों, जिस चीज़ को लेके आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, मैं आपसे पूरा डिस्कस करूँगा उस चीज़ को लेके, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखें। और ये मेरा 100% श्योर है कि आप हर एक बात को समझ जाएंगे अगर आप अपना मकान बना रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आपके मकान की छत डलने वाली है, या आप मकान के मालिक हैं, ठेकेदार हैं, जो भी हो सकते हैं। अब मैटर करता है कि हमें अपने छत के लिए कौन सी शटरिंग यूज़ करनी चाहिए, प्लाईवुड शटरिंग, स्टील प्लेट शटरिंग, या एक शटरिंग और होती है जो आपने देखा होगा, जैसे आपको फोटो में दिख रहा होगा कि ये अब कम यूज़ होती है, जैसे कि फर्मे वाली शटरिंग हो गई, या लकड़ी की शटरिंग हो गई, या आप इसे बैटन वाली शटरिंग बोल सकते हैं। अब देखिए, इस तीनों शटरिंग के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि आप हर एक बात समझ जाएंगे। अब शटरिंग का देखिए, अपने आप में तीनों शटरिंग आपने कहीं ना कहीं यूज़ होती देखी है, तो तीनों शटरिंग ही ठीक होती हैं अपने लिए। लेकिन अब मैटर करता है कि आपके ऊपर कि आप अपनी छत में किस तरीके से सीलिंग देखना चाहते हैं। मेरा मतलब ये कि आप फॉल सीलिंग करना चाहते हैं या पीओपी कराना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप पुट्टी कराना चाहते हैं, सॉरी पुट्टी नहीं, पीओपी कराना चाहते हैं, पीओपी से जो डिज़ाइन बनते हैं फैन के पास या सीलिंग के चारों कॉर्नर पर, अगर वो उस तरीके से आप अपनी सीलिंग को देखना चाहते हैं, तो आप एक काम करें, आप प्लाईवुड शटरिंग यूज़ ना करें, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं करें, और हमें दूसरी शटरिंग करनी है तो क्यों करें। अगर हम प्लाईवुड शटरिंग यूज़ करते हैं, पहले मैं आपको प्लाईवुड का डिस्कस कर देता हूँ। प्लाईवुड की शटरिंग जो होती है वो हमारी बहुत स्मूथ निकलती है, चिकनी निकलती है। अब आप करेंगे पीओपी, अब पीओपी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें टक मारनी पड़ेगी, टक मारते हैं। अब टक मारने के लिए क्या होता है, हमारी लेबर लगती है, समय जाता है, और उस तरीके से भी टक नहीं लग पाती जिस तरीके से हमें हमारी छत चाहिए होती है। तो आप इसलिए प्लाईवुड की शटरिंग इसलिए यूज़ नहीं करें कि आप इसमें पुट्टी या पीओपी करनी है, आपको पीओपी से डिज़ाइन बनाना, तो आप इसलिए प्लाईवुड की शटरिंग यूज़ ना करें। और आप करें स्टील प्लेट की शटरिंग, या आपको जो मैंने आपको दिखाया ये फर्मे वाली शटरिंग जो होती है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी जो छत निकलेगी वो थोड़ी रफ़ निकलेगी, और रफ़ निकलने के साथ साथ जब हम इसमें अपना डिज़ाइन बनाएंगे तो हमारी जो पीओपी होगी वो पकड़ बना लेगी, और आगे काफ़ी लंबे समय तक हमारी छत में वो चिपका रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कहीं आप किसी के घर गए होंगे और आपने ऊपर की ओर नज़र मारी होगी, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कहीं से आपकी पीओपी का डिज़ाइन है वो छुटके गिर जाता है। तो उसका कारण यही होता है कि उसकी पकड़ अच्छे से नहीं हो पाती। अब आ जाइए प्लाईवुड की शटरिंग पे। तो प्लाईवुड की शटरिंग हमें कब यूज़ करनी चाहिए, अगर देखिए आप प्लाईवुड की शटरिंग, जैसे मान लीजिए कि आप सिर्फ पेंट करना चाहते हैं, यानी कि पुट्टी करी या आपने पेंट करना है, ना तो प्लास्टर करना है, ना ही कुछ करना है, सिर्फ पेंट करना है, या फॉल सीलिंग लगानी है, जो फॉल सीलिंग करनी होती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब इसकी छत इतनी चिकनी निकलती है कि आपको प्लास्टर करने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप उस पर ही सीधे डायरेक्टली पेंट कर देते हैं या फॉल सीलिंग कर देते हैं। और अगर एक बात और बताऊँ, अगर आप फॉल सीलिंग करना चाहते हैं तो आप कोई सी भी शटरिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भी छत निकले वो सब अंडर ग्राउंड हो जाती है, पता नहीं चलता, कुछ भी अंडर छुप जाती है, ग्राउंड नहीं, छुप जाती है। तो ये हमारा दो जो सेटरिंग थी उसका क्लियर हुआ। अब देखिए, एक सेटरिंग के बारे में और मैंने आपको बताया था, लकड़ी की सेटरिंग, मतलब जो सॉरी ये फर्मे वाली सेटरिंग जो होती है, या बैटन वाली, तख्ते वाली, इससे क्या होता है, ये भी इसके दो तरीके होते हैं इसको यूज़ करने के। कुछ लोग क्या करते हैं, इस पर मिट्टी डालते हैं, मिट्टी डालने के बाद इस पर एक सीमेंट का स्लरी डालते हैं काफ़ी, मतलब 1 इंची, और उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो छत हमारी क्या होती है, बाद में भी उसी तरीके से चिकनी निकलती है। तो यानी कि प्लाईवुड की शटरिंग और ये शटरिंग बात एक ही होगी, लेकिन इसको एक यूज़ करने का तरीका दूसरा होता है कि हम इसमें जो मैंने आपको बताया कच्चा ढूरा करते हैं वो नहीं करते हैं, और जैसे बैटन लगा हुआ है उसी तरीके से उस पर छत डाल देते हैं, थोड़ी मिट्टी डाल के और अच्छा सा थोड़ा लेबल बना के। तो ये होता है हमारा लकड़ी की या फर्मे की शटरिंग यूज़ करने का तरीका वो। और इससे बेहतर आपको आपके जो मिस्त्री ठेकेदार होते हैं वो बता देंगे, लेकिन जो आपका मैटर आप ही पे करता है दोस्तों, कि आप अपनी छत में क्या, सीलिंग में क्या चीज़ देखना चाहते हैं।
पीओपी कराना चाहते हैं, पीओपी डिजाइन कराना चाहते हैं, या पेंट करना चाहते हैं सिर्फ, प्लास्टर करना चाहते हैं, या फिर आप अपने फॉल सीलिंग करना चाहते हैं। तो आई होप, मेरे ख्याल से लगता है कि आपने सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपको अगर फॉल सीलिंग करनी है तो कौन सी यूज़ करें, पीओपी डिजाइन बनाना तो क्या कौन सी यूज़ करें, और अगर आपको प्लास्टर या पेंट करना तो कौन सी यूज़ करें। अगर कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में टाइप करें, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो अब तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो पर।